ओम शांति। 18 मार्च 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने प्यार के सागर ने सुख करता दुख हरता बेहद का देने वाले सबसे 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 ज्यादा मोहब्बत करने वाले बाप ने हम बच्चों से आज के साकार मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे मोस्ट बिलव्ड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकालनी है। एक्यूरेट शब्दों में अल्फ का परिचय दो तो सर्व व्यापी की बात खत्म हो जाएगी। बाबा का परिचय देना है कि वो हमें सबसे ज्यादा कैसे प्यार करता है, फर्क बताना है कि हद का पिता तो हमें हद का ही साथ देता है, जब तक वो शरीर में है तब तक हमारे साथ है, तब तक हमारे हद के माता पिता साथ ही बनकर साथ देते हैं, और उसके बदले भी उनको कहीं ना कहीं यह आश रहती है कि जब मेरी आयु हो जाएगी तो मेरे बच्चे मुझे सहारा देंगे, मेरी पालना जैसे मैं कर रहा हूँ तो वैसी ही पालना मेरी करेंगे, जब मेरी आयु वो हो जाएगी, जब मैं कुछ काम का नहीं रह जाऊंगा मेरे वृद्धावस्था में। लेकिन यहाँ जो बेहद का बाप है यह सब कुछ भी हमसे आश नहीं रखता है, और वह हमें निराकारी निराहंकारी निष्काम भाव से अभोक्ता, जो उसके बदले में हमें उसे कुछ भी नहीं देना होता। देखिए, ईश्वर हमें चढ़ावे से या पैसे से नहीं मिलता है, ईश्वर हमें प्रेम से मिलता है। वो प्रेम के बदले हमारा हो जाता है, प्रेम से हम उस सर्वशक्तिमान बाप को बांध सकते हैं, और वो हमें 21 जन्मों की राजाई देता है। हद का बाप हमें हद का देता है और बेहद का बाप हमें बेहद का दे करके भी हमसे कुछ भी नहीं मांग करता है, और तो और वो हमें विश्व पर राजाई दे करके, हमें 21 जन्मों की राजाई दे करके, डबल सरताज बना करके, भगवान हमें देवी देवता बना करके क्या करता है, सुख की दुनिया में भेज करके खुद अपने निर्वाण धाम शांति धाम में वापस आराम में चले जाते हैं, और उसके बदले हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं। और वह परमपिता परमात्मा किन्हीं मंदिरों में विराजमान, देवी देवताओं में विराजमान नहीं है, वो ठक्कर बत्तर में नहीं है, वो पांच तत्वों में नहीं है, वो चांद सूरज में नहीं है, वो तो निराकारी है, वो शिव कल्याणकारी है, वो विश्व विश्व कल्याणकारी है, वो हम आत्माओं का परम आत्मा, हम सर्व आत्माओं का पिता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी आत्मा इस शरीर को चलाती है, और जैसे ही ये प्राण रूपी पंख पखेरु इस तन को छोड़ता है और हमारा शरीर मृत घोषित कर दिया जाता है, अर्थात देह का अंत हो जाता है, लेकिन यह अविनाशी आत्मा का अंत नहीं होता है, ठीक वैसे ही हमारा बेहद का बाप है जो परम आत्मा, एवर प्योर, परम धाम का निवासी है, वो ठिकर बितर में नहीं है। वो जब आता है, जब इस संसार में दुख हो जाता है, धर्म की आत्मग्लानी हो जाती है, और विश्व की हर एक आत्मा उस परमात्मा को, उस सुख सागर को, उस सुख दाता को, उस ज्ञान सागर को बुलाती है, उस पतित पावन को पुकारती है कि आओ और मुझे पावन बना करके घर ले चलो, मुझे शांति दो, मुझे सुख दो, मुझे प्रेम दो। तब वह ब्रह्मातन में संगम युग पर आकर के हम सर्व आत्माओं को अपना परिचय देता है। लेकिन ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां जो ब्राह्मण रचे हुए हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा, उन ब्राह्मणों को यथार्थ मिलता है, और बाबा कहते हैं यह संदेश सबको दो कि मैं सर्व आत्माओं का बाप हूँ, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं कच्छ मच्छ में अवतारित नहीं होता हूँ, और मैं आया हूँ सबको ज्ञान दे करके, आत्मा की बुझी हुई ज्योत को जला कर खरा सोना बनाकर उस दुनिया में भेजने के लिए आया हूँ, तुम्हारे कर्मों को सुधारने आया हूँ, तुम्हारी दुर्गति से सदगति में ले जाने आया हूँ, तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आया हूँ। यह सर्व बातें बाबा कहते हैं समझाओ, एक्यूरेट शब्दों में बोलो कि अल्फ कौन है उसका परिचय दो, तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाए।
जो मंदिर में विराजमान है वो जड़ चित्र हैं, जो हम आप पूर्वज आत्माएं होकर के गई हैं, जो देवी देवता होकर के गए हैं वो पास्ट में, और अब वापस वही राज्य आने वाला है वो भगवान नहीं हो सकते। जो जन्म मरण में आते हैं उन्हें भगवान नहीं कहते, जिनका शरीर रूपी माता पिता होते हैं उनको भगवान नहीं कहते, वो अजय अजन्मा है, वो दुख सुख से न्यारा है, वो दुर्गति में नहीं आता है, वो दुख नहीं देता है। अच्छा, तो फिर से रिपीट करूंगी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलव्ड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकालनी है। एक्यूरेट शब्दों में अल्प का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रत्न चुगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, ज्ञान की हर बात पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर एक बाप की सबको सही पहचान देना। बाबा कहते हैं, मैं हर युग में आकर के हर युग की स्थापना और हर युग का विनाश नहीं करता हूं। मैं तो जब तक यह कल्प का पूरा पार्ट नहीं हो जाता है, जब तक ये चक्र का शुरुआत और चक्र का अंत नहीं होता है, नई दुनिया की शुरुआत और आखिरी में ये अंत नहीं होता, तब तक मैं नहीं आता हूँ। मैं तो आता ही हूँ जब जब सबको सुख देना होता है, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देना होता है, तो मैं आता ही हूँ कल्प में एक बार, और मैं हूँ ही एक, एक ज्ञान, एक परमात्मा, और एक ही पढ़ाने वाला, और एक के द्वारा पढ़ाने वाला, और सर्व आत्माओं का एक ही परमात्मा। मैं आता हूँ खुद की सबको पहचान देने, लेकिन मुझे शरीर का आधार लेना पड़े, मुझे मुख का आधार लेना पड़े, तब मैं इस के तन में आता हूँ। इसका ये 84वां जन्म है, है ना? तो यही कृष्ण की आत्मा है जो अभी कृष्ण बनने के लिए पुरुषार्थ कर रही है। तो बाबा कहते हैं, यदि मैं हर युग की स्थापना करता होता तो संसार में इतना जास्ती पाप नहीं होता, और मैं ठिकर पितर में होता, मैं सर्वव्यापी आत्मा सुपरमात्मा होता, तो जब भी तुम ईश्वर का नाम लेते तो ऊपर की तरफ बुद्धि नहीं जाती, मुझे नीचे में देखते हैं, लेकिन मैं नीचे गिराऊं तो मैं नीचे रहूं ना, मैं तो ऊपर उठाने वाला हूं, मैं सबसे ऊंचा हूं और सबसे ऊंचा बनाकर तुमको जाता हूं। तो बाबा कहते हैं, सबको पहचान सही देनी है। पुण्य आत्मा बनाने वाले के साथ साथ पाप आत्मा किसने बनाया? पुण्य आत्मा बनाने वाला अलग और पाप आत्मा बनाने वाला अलग। पाप आत्मा बनाता है हमें रावण, माया, पांच विकार, और पुण्य आत्मा हमें बनाता है सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, ज्ञान सूर्य, भगवान परमात्मा। तो बाबा ने हमें क्या बनाया? पुण्य आत्मा, और साथ साथ पाप आत्मा किसने बनाया यह समझ देना। तुम बच्चों का फर्ज है सबको रावण के बेर चुगने से बचाए ज्ञान रत्न चुगाने हैं। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। सर्विस में बिजी रहने से ही अपार खुशी रहेगी। गीत है प्रीतम आन मिलो, ओम शांति। बाप परम पिता को हमेशा रचयिता कहा जाता है। मनुष्य कह देते यह पशु पक्षी आदि सारी रचना वह रचते हैं, परंतु समझाना चाहिए, पहले पहले मनुष्य की बात तो समझो। परम पिता जो रचता है वह मनुष्य सृष्टि कैसे रचते हैं? मनुष्य ही उनको बाप कह बुलाते हैं क्योंकि दुखी हैं। सभी उस एक रचयिता को याद करते हैं, तो पहले पहले यह समझाना है कि मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन है। यह रचयिता ही सबका बाप ठहरा। पहले पहले बाप का परिचय देना है। आत्मा को ना अपना ना बाप का परिचय है। अगर अहम आत्मा का परिचय हो तो समझें कि हम किसकी संतान हैं। अब आत्मा का ही परिचय नहीं है तो फिर कैसे पता रहेगा कि हम कौन है, हाँ, किसके हैं, मैं कौन, मेरा कौन। इस राज को भी मैं ही आकर समझाता हूँ, हाँ? हम परमपिता परमात्मा की संतान है। वह बाप रचयिता है तो जरूर पहले पहले मनुष्य सृष्टि रचते होंगे। वह नई दुनिया अथवा स्वर्ग होगी। बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप दुख के लिए रचना रचे यह हो नहीं सकता। कोई भी पिता चाहे हद का हो चाहे बेहद का हो अपने बच्चों के लिए दुख नहीं लिखता। कहते हैं ना, यदि माता पिता के वश में हो तो
अपने बच्चों के खाते में दुख कभी ना दिखें। लेकिन दुख माता पिता नहीं देते, दुख तो हमें देता है कौन? हमारे ही विकर्म। हमें अपने विकर्मों से दुख होता है और जो इसके द्वारा करे कर्म विकर्म होते हैं उसको उसका फल खुद ही खाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपने विकर्म किया तो आपके घर में कोई दूसरा मेंबर खाएगा, नहीं, आपको ही वो फसल काटनी है और आपको ही वो फल खाना है। जो आपने बीज डाला है उसी का आपको फल खाना है, है ना? तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाप तो स्वर्ग रचता है ना? दुख के लिए रचना रचे यह नहीं हो सकता, जबकि हम उस बाप के बच्चे हैं। जो बाप स्वर्ग रचता है तो हम भी वहां होने चाहिए या परम धाम में होने चाहिए, परंतु हमको यहाँ पाठ बजाने आना पड़ता है। यह है विचार सागर मंथन करने की युक्तियां। जितना समय मिले तो यही विचार सागर मंथन करना है। साधु संत आदि कोई भी यथार्थ रीति बाप को जानते नहीं है। आज चाहे साई हो वो भी ऊपर की तरह इशारा करते थे। आज यदि मीरा भी कृष्ण की दीवानी थी तो उनको भी यह नहीं पता कि ईश्वर किसे कहते हैं। वो तो यहीं कहीं जन्म लेकर के अभी यहीं कहीं घूम रही होंगी, क्योंकि जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। जब तक ड्रामा में पार्ट है तब तक आपको पार्ट बजाना ही पड़ेगा। एक शरीर लेकर दूसरा छोड़ना ही, दूसरा लेना ही है, है ना? एक छोड़ दूसरा लेना है। आत्मा का तो पार्ट ही है, जब तक पूरा ना हो तब तक वो घर जा नहीं सकती। तो अब पार्ट पूरा होता है। बाबा कहते हैं इस तरह से यथार्थ रीति समझना समझाना, है ना? तो इस तरह विचार सागर मंथन करना है कि हमें यहाँ आना ही पड़ता है। जितना समय मिले तो यही सब समझो और समझाओ, विचार सागर मंथन करो। बाबा कहते हैं साधु संत भी नहीं जानते हैं कि असली बाप कौन है। रचेता जरूर स्वर्गी ही रचेंगे, तो फिर सब आत्माएं निर्वाण धाम में होनी चाहिए। वह निर्वाण धाम है हम सब आत्माओं का घर, जहां बाप भी रहते हैं। तुम बच्चों को बेहद के बाप से बुद्धि योग जोड़ने लिए मेहनत करनी पड़ती है। युक्ति, बाबा कहते योग ना होने के कारण ही फिर मनुष्य से पाप होते हैं या धारणा नहीं हो सकती है। बाप को याद नहीं करते, भगवान तो एक ही है, वह है मोस्ट बिलव्ड स्वर्ग का रचयिता। वहां बहुत सुख है, यहाँ दुख होने के कारण ही भगवान को याद करते हैं। बाप बच्चों को सुख के लिए ही जन्म देते हैं। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है सुख धाम। अभी है कलयुग, इसके बाद फिर सतयुग आना है, तो जरूर बाप को भी आना चाहिए। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फिर कोई को बैठ समझाना चाहिए। यहाँ तुमको बाप का परिचय मिलता है बाप द्वारा। मनुष्य उस मोस्ट विलव्ड बाप को जानते नहीं, बाप को जानते ही नहीं तो अपने को उसके बच्चे भी समझते नहीं। हमने बाप को जाना है तो उनको याद करते हैं। वह बेहद का बाप है सभी आत्माओं का। वह निराकार इस साकार प्रजापिता द्वारा रचना रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्राह्मण ब्राह्मणिया भी हैं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का बाप परम पिता ही होगा, जिसको क्रिएटर कहा जाता है। कोई भी आते हैं तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब अल्फ याद पड़े तब फिर आगे समझ सके। अल्फ बिगर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। वह भी समझाना ऐसे है जो मनुष्य समझे। इन्हों की समझानी तो बड़ी एक्यूरेट दिखाई पड़ती है। ऐसे और तो कोई नहीं समझाएंगे कि वह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। जरूर नरक का भी रचयिता कोई होगा। पावन बनाने वाला एक बाप है तो जरूर पतित बनाने वाला भी कोई एक होगा। यह है अच्छी रीति समझाना है। बाप कौन है? जिसको हम याद करते हैं। रावण को तो याद नहीं करेंगे, मनुष्य तो ना पावन बनाने वाला वाले राम परमात्मा को जानते, ना पतित बनाने वाले रावण को जानते, बिल्कुल ही अनजान है। भूल भुलैया का खेल है ना, भूले तो दुखी और ना जागे याद आई तो सुखी, ज्ञान में फिर सुख हा? और भक्ति में दुख। तो इस तरह से बाबा कहते बिल्कुल ही अनजान है। फार्म भराने समय भी पहले बाप का परिचय देना है। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? यहाँ हम सच्चे शिव का हम सबको क्या देते हैं? पहचान देते हैं,
और शिव विश्व कल्याणकारी है, तो हम उसकी पहचान देते हैं असली घर के, असली पिता के, और असली पढ़ाई पढ़ाते हैं, और हम नहीं पढ़ाते हैं, ईश्वर हमें पढ़ाता है, और ईश्वर ने निमित्त बनाया, तो हम यह ज्ञान बाबा के द्वारा प्राप्त कर जितना पाया उतना देने की कोशिश कर रहे हैं। निमित्त आत्मा बन, शरीर के द्वारा नहीं, आत्मा ग्रहण करती है फिर दूसरों को देती है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, कौन बाप कौन है यह प्रश्न और कोई पूछ ना सके, तुम्हारी आत्मा जानती है ना, बाबा कहते हैं। आत्मा तो हर एक मनुष्य में है, जीवात्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है, संत आत्मा कहा जाता है ना, पुण्य आत्मा तो बाप भी बनाते हैं, फिर इनको पाप आत्मा कौन बनाते हैं यह जरूर समझाना पड़े। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, जिसको हम सभी बच्चे हैं, उनको तुम जानते हो, वह तो जरूर पावन दुनिया ही रचते होंगे। अभी है पतित दुनिया, इसलिए मनुष्य गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। इतने सब पतित मनुष्यों को पावन कौन बनाए, सर्वव्यापी है। फिर तो वह बाबा कहते यह बात नहीं उठती कि परमपिता परमात्मा आओ, यदि वो यहाँ रहता होता तो उसको क्यों पुकारते, क्यों बुलाते, है ना। नहीं रहता, जब उसका कार्य होता है, जब उसका कर्तव्य होता है, जब उसको दुनिया को पावन बनाना होता है, तब उसका कर्तव्य होता है तो आता है, है ना। ऐसे तो नहीं कि यहीं रहता है, बाबा कहते मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं आता हूँ, है ना, और तुमको पावन बनाने के लिए। तो पतित दुनिया में ही आना पड़े, पावन दुनिया में आकर के उसको पावन बनाऊंगा, है ना। तो मैं आता ही हूँ पराए देश में, पराए तन में, और पराई दुनिया में, और दूरंदेशी रहने वाला हूँ, है ना, जहाँ किसी की भी बुद्धि नहीं जा सकती, परे से परे रहने वाला मैं परम धाम का निवासी, परम पिता परमात्मा हूँ, परम आत्मा, है ना, सर्व आत्माओं का पिता। तो इस तरह से बाप कहते हैं, मैं क्या करूंगा, पावन दुनिया रचूंगा, है ना, तो वह तो जरूर पावन ही होंगे, तभी तो पावन दुनिया बनाएंगे, अभी है पतित दुनिया, इसलिए मनुष्य गाते भी हैं, इतने सब पतित मनुष्यों को पावन कौन बनाए, सर्वव्यापी है तो फिर नहीं बात उठती, परम पिता सर्वव्यापी है फिर तो उसको याद करने की भी दरकार नहीं। अभी हम आपको बहुत अच्छी राय देते हैं, ब्रह्मा की राय तो मशहूर है ना, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया हैं, ब्रह्मा को भी राय देने वाला जरूर ऊंच होगा। ब्रह्मा वल्द परमपिता परमात्मा शिव, ब्रह्मा वल्द परमपिता परमात्मा शिव, वह है आत्माओं का पिता, वह है प्रजा पिता। तुम बच्चे सर्विस के लिए ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करेंगे तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। कोई आए तो उनको ज्ञान रत्न देने हैं, बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्न चुकाते हैं। बाबा कहते किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना, लात नहीं मारना, किसी को दुखी नहीं करना, जो मिला है जरूर देना, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। फिर रावण आकर बेर चुकाते हैं, शिव का चित्र, देवताओं के चित्र सब पत्थर के ही है, उसमें थोड़े ना चैतन्य ये आत्मा बैठी हुई है, है ना, वो तो जड़ चित्र हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वो तो पत्थर के ही हैं, पत्थर को पूछते पूछते पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। शिव का भी पत्थर का चित्र है, जरूर कोई समय शिव बाबा चैतन्य में आकर पढ़ाते होंगे। प्रजा पिता ब्रह्मा भी होगा, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती भी होगी। अब प्रैक्टिकल में है, इनके लिए गायन है सबकी मनोकामना पूरी करने वाली, अविनाशी ज्ञान रत्न दान करने वाली, गॉडेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर राजराजेश्वरी बनती है ना। तो उन्होंने फिर सरस्वती को बेंजो दे दिया है। यह सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। जिसको भाषण करना है तो विचार सागर मंथन करना होता है, पहले भाषण लिख रिफाइन करना चाहिए। बड़े बड़े स्पीकर्स जो होते हैं वह बहुत खबरदारी से बोलते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट सुनाते हैं, कम में अच्छा समझ में आए, है ना, विस्तार में नहीं, समेट करके बताते हैं, है ना, सार सुनाते हैं, तो जरा भी हिचका तो आबरू इज्जत चली गई, चली जाएगी। पहले से ही पूरी प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ भी इतना बुद्धि में रहना चाहिए जो किसको बाप का परिचय दे सको। सर्विस करनी है, भिखारी गुरुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं, है ना, इस संसार में देखो कितना भ्रष्टाचार है, जो मठाधि बना लेते हैं लेकिन देखो अपनी एक दुनिया अलग बसा लेते हैं, और कैसे कैसे लोगों को फंसा लेते हैं, धन माया के लोभ में कितना गिर जाते हैं, सब कुछ बेचने को तैयार रहते हैं लेकिन
हैं, धन हाथ से ना जाए, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं, उनको निकालना है ना। वह कोई की सदगति तो कर नहीं सकते, पतित पावन निराकार भगवान को ही कहा जाता है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो कोई की सदगति हुई नहीं है। पतित पावन है एक श्री बाबा, उनको रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र यज्ञ भी मशहूर है, इतना बड़ा यज्ञ और कोई रचना सके। रुद्र ज्ञान यज्ञ कितने वर्ष चलता है, ज्ञान सुनाते ही रहते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें शास्त्र भी रखते हैं, रामायण भागवत आदि की कथा सुनाते हैं, उसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। वास्तव में रुद्र यज्ञ यह है जहाँ विकारों का खात्मा होना है, जहाँ यह पुरानी भ्रष्ट दुनिया का खात्मा होना है और नई दुनिया पवित्र दुनिया की स्थापना होनी है, उसे रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं, जिसमें सारी पुरानी दुनिया का स्वाहा होना है विकारों का। तो यह यज्ञ तो बहुत समय चलता है, उन्हों का तो करके मास भर चलेगा, मास भर यज्ञ चलेगा, यह तो देखो कितना समय चलता है। इसमें जो भी सब पुरानी चीजें हैं वह खत्म होनी है, यह सारी पुरानी दुनिया इसमें भस्म होनी है। कितना बड़ा यज्ञ है, ख्याल तो करो। जब सबके शरीर स्वाहा हो तब सभी आत्माएं वापस परम धाम जाएं। जब तक बाप ना आए तो पतित से पावन कैसे बने, और बाबा ना आए जब तक जाना शुरू भी नहीं होता। माया की जंजीरों से सेलिब्रेट करे कौन, कोई तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए ना, इसलिए खुद मालिक ही आते हैं। ऐसे नहीं सर्वव्यापी हो बैठकर ज्ञान देते हैं, वह तो आते हैं, हम उनकी संतान पौत्रे हैं, वास्तव में हो तुम भी। अब वह बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम हैं राजयोग ऋषि, वह है हठ योग ऋषि। इस पर शायद एक कहानी भी सुनाते हैं कि फलाने ऋषि का वजन भारी है या राज ऋषि का वजन भारी है। वह है सब भक्ति मार्ग की बातें और यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति और ज्ञान के तराजू की कुछ कथा है, एक तरफ है सब भक्ति के शास्त्र, दूसरे तरफ है ज्ञान की गीता, तो भारी गीता हो जाती है। गीता है राज ऋषियों के, हठ योगियों के तो बहुत शास्त्र हैं। एक तरफ वह सब डालो, दूसरे तरफ गीता डालो। अब बाबा कहते हैं यहाँ भी मूंझ जाते हैं मनुष्य आत्माएं, गीता समझते हैं जो छोटी सी गीता लिखी हुई है उस गीता की बात है, जबकि परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे यहाँ जो मैं ब्रह्मा मुख के द्वारा जो ज्ञान सागर ज्ञान दे रहा है ना, भगवान खुद आकर कल्प में एक बार आते और कल्प कल्प यह गीता ज्ञान सुनाते, और इस ज्ञान गीता में ही शास्त्रों का, भक्ति का, सबका जो भी हाथ से लिखे हुए हैं द्वापर से, सबका राज इस ब्रह्मा मुख के द्वारा हमें समझाते हैं, सुनाते हैं। तो असली गीता, असली भगवान और यह वजनदार, इस गीता ज्ञान से ही फिर सर्व की सदगति होती है। तो वजनदार कौन हुआ, जिससे क्या होती है, ज्ञान ऋषि बनते हैं, है ना। तो आत्मा ज्ञान लेती है इस ब्रह्मा मुख के द्वारा, तो भारी हुआ भगवान की ज्ञान गीता, ना कि वो लिखी हुई गीता। तो बाबा कहते हैं इस तरह से राज ऋषियों को और जो दूसरे तरफ एक ज्ञान की गीता, तो भारी एक गीता हो जाती है। गीता है राज ऋषियों की, हठयोगियों के तो बहुत शास्त्र है। एक तरफ वह सब डालो, दूसरे तरफ गीता डालो। वास्तव में वह भी कोई हमारी है नहीं, हमारी तो है ही ज्ञान की बात। गीता का भगवान आता ही है सदगति करने के लिए, तो पहले बच्चों की बुद्धि में यह सब रहना चाहिए, फिर कोई समझे ना समझे अपना फर्ज है हर एक को समझाना। मौत के समय सभी की आंखें खुलेंगी, इस ज्ञान यज्ञ से ही यह विनाश ज्वाला निकली है। अब तुम पांडवों का पति है परमपिता परमात्मा, पतियों को बाबा कहते हैं पतित पावन बनाने वाला है ना, तो वो पांडवों का पति है। पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक परमात्मा, ना कि श्री कृष्ण, वह तो प्रिंस है, वो तो खुद पावन है। अब वो पावन दुनिया में इधर आकर के द्वापर में थोड़ी किसी को पतित से पावन बनाएंगे, वो है ही नहीं भगवान, है ना, तो कैसे बनाएंगे। तो जो पावन है वो बनाए, उनको तो कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। फादर तब कहा जाता है जब बच्चे पैदा करते हैं, श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, सतयुगी प्रिंस है, तो वो बच्चा है ना, तो उसको फादर कैसे कहा जाए, लॉ नहीं कहता।
श्री कृष्ण के साथ फिर जोड़ी चाहिए, उनके बच्चे चाहिए तब फादर कहा जाए, वह तो फिर गृहस्थी हो गया। यहाँ तो निराकार बाप बैठ ज्ञान देते हैं, वह कभी गृहस्थ में आते नहीं, सदा पवित्र हैं। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो उनको पतित पावन कैसे कहेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा को प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आना है। प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होना चाहिए ना, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा रख कहते हैं। मैं इस साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, यह 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म में है और वाण प्रस्थ अवस्था में पूरा अनुभवी रथ है। अर्जुन के लिए भी कहते हैं ना, वह बहुत गुरु किए थे, शास्त्र आदि पढ़े थे, तो अर्जुन कौन हा? बाबा कहते हैं अर्जुन कोई एक नहीं, सर्वात्माएं अर्जुन है, लेकिन रथ जो है ना, तो वहां चित्र दिखाते हैं, शरीर रूपी अर्जुन दिखाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ आत्माओं की बात करिए, है ना, तो इस तरह से यही असली अर्जुन है ना। तो शास्त्र आदि पढ़े थे तो समझाना भी ऐसे चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? ब्रह्मा है तो जरूर पहले ब्राह्मण चाहिए, वर्ण भी मुख्य हैं, चक्र में भी वर्ण दिखाते हैं, ब्राह्मण कुल है सबसे छोटा। उन्होंने ज्ञान लेने का समय भी थोड़ा है, कितने थोड़े ब्राह्मण हैं, फिर उनसे जास्ती देवताएं, उनसे जास्ती क्षत्रिय, उनसे जास्ती वैश्य शूद्र। तो तुम ब्राह्मण कितने थोड़े हो, है ना, 5 पांडव गाए हुए हैं, फिर कौरव और यादव ज्यादा गाए हुए हैं, है ना, और देवताएं तो है ही कम। तो इन थोड़े थोड़ों में भी वह बहुत थोड़े हैं जिनको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहता है। बाप ने समझाया है खुशी का पारा चढ़ेगा अमृत वेले। दिन को और रात को वायुमंडल बहुत गंदा रहता है, उस समय याद मुश्किल रहती है। अमृत वेले का समय गाया हुआ है, उसी समय सभी आत्माएं थककर शरीर से डिटैच होकर सो जाती हैं, वह है शुभ मुहूर्त। यूं तो बाप की याद चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए, बाकी हठ से एक जगह बैठ याद करेंगे तो ठहरेगी नहीं। बाबा मेहनत थोड़ी देते हैं, बाबा तो कहते हैं मीठे बच्चे यदि तुम्हारा मन बीमारी की तरफ लगा है और पैर दुख रहा है तो पैर को आराम दो, लेकिन मुझे एकदम फ्री माइंड से याद करो, यहाँ कुछ बात ना रहे, यहाँ फ्री रहो तभी मेरे पास आ पाओगे उड़ती कला में, है ना। तो इसीलिए बाबा ने सारे आराम दिए हुए हैं कि जैसे तुम्हारी मर्जी, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी पोजिशन में, जिस अवस्था में तुमको मेरी याद अच्छे से जमती हो तभी मुझे याद करो, लेकिन सच्चे मन से याद करो, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि शुभ मुहूर्त सबसे अच्छा है, ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ गए और सीधे पैर के ऊपर पैर कर लिया और राम 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 कहने लगे। बाबा कहते हैं राम 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 मतलब क्या है, मैं आत्मा शांत हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, तो क्या शक्तिशाली बन जाओगे बिना अनुभव किए। बाबा कहते शरीर तिरछा नहीं हुई है, आत्मा तिरछी हुई है, तो आत्मा को सीधा करने के लिए आपको आत्मा में जौहर भरना है, तो आत्मा के अवगुणों को खत्म करने मेरी याद में रहना है, बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते ऋषि मुनि भक्त लोग भी अमृत वेले उठ कीर्तन आदि करते हैं, क्योंकि उस समय शुद्ध वायुमंडल रहता है। तो कोई भी आए उनको समझाना है कि हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं, निराकार बाप टीचर के रूप से हमको सहज राजयोग सिखा रहे हैं, तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे कि इनको निराकार कैसे पढ़ाते हैं। भगवान उवाच भी बरोबर हैं, तो जरूर शरीर में आकर राजयोग सिखाया होगा, कोई शरीर का लोन लिया होगा तो पहले युक्ति से बाप का परिचय देना चाहिए। सर्वव्यापी कहने से वर्षा क्या मिलेगा, जब तक भगवान के महावाक्य कानों पर ना पड़े तब तक कोई समझ ना सके। भगवान है निराकार, ब्रह्मा है साकार प्रजापिता, तुम हो ब्रह्म कुमार कुमारियां। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना, बाप का परिचय देंगे तो बाप की याद रहेगी। कोई लिखते हैं भगवान निराकार हैं तो उनको समझाना चाहिए, कोई फिर लिखते हैं कि हम जानते ही नहीं, अरे तुम बाप को नहीं जानते हो, परमपिता परमात्मा कहते हो तो जरूर कोई तो होगा ना। बच्चे तो जानते हैं हम परमपिता परमात्मा से भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए आजीविका प्राप्त करते हैं, इसमें जो विघ्न डालते हैं उन पर कितना पाप चढ़ता होगा सो भी समझ कर विघ्न डालते हैं।
बेसमझ पर तो कोई दोष नहीं, वह तो सारी दुनिया बेसमझ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, इसके एक एक अक्षर का अर्थ तुम बच्चे जानते हो। पहले पहले मात पिता, फिर बाप दादा। मात पिता उनको कहा जाता है जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर यह हो गए बाप दादा, फिर कहते जगदम्बा, यह बड़ी गुहा बातें हैं। सबसे गुहा पहेली यह है जिसको समझने से मनुष्य को बहुत फायदा हो जाए। फिर कहते हैं सिक्की लाधे, यह है दूसरी पहेली। फिर कहते हैं ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, यह भी नई पहेली है। एक एक बात में पहेली है। अच्छा, स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बेला बाबा ने कहा अमृत वेले के शुभ मुहूर्त में बाप को बहुत प्यार से याद कर खुशी का पारा चढ़ाना है, चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। पाप कर्मों से बचने व ज्ञान की अच्छी धारणा करने के लिए एक बाप से बुद्धि योग जोड़ने की मेहनत करनी है। वरदान है वरदानी बाप का, बिंदु रूप में स्थित रहे सारयुक्त योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ भव। क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने के बजाय हर बात में बिंदी लगाओ, बिंदु रूप में स्थित हो जाओ तो सारयुक्त योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्मृति बोल, स्मृति याद जो यहाँ रहती है, बोल और कर्म जो करते हैं, तो स्मृति बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे। बिना बिंदु बने विस्तार में गए तो क्यों, क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां व्यर्थ गवा देंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा, इसलिए बिंदु रूप में स्थित रहे सर्व कर्म इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाओ। स्लोगन है बाबा शब्द की डायमंड चाबी, साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। बाबा शब्द की डायमंड चाबी, साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। बाबा शब्द है सर्व खुशियों की चाबी, सर्व खजानों की चाबी। मन मना भव मामे कम याद करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।